नमस्कार प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और केंद्र को एक वकील की याचिका पर नोटिस जारी कर धरने पर सवाल पूछे हैं। उधर केजरीवाल कैबिनेट के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। कहा है कि उन्होंने कोई रेसिस्ट कमेंट न किया, न ही खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकन महिलाओं के साथ बदतमीजी की। हाँ, बीजेपी नेता अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील हरीश सालवे के बारे में जो अभद्र टिप्पणी दी वो सही नहीं था। लेकिन इस सब के बीच सोमनाथ भारती आज भी दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। अपने वकीलों को भेजा, जिसके बारे में डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा कि नियमानुसार सही नहीं है। इससे ये भी साफ है कि भारती को सम्मन मिला वो तो भी नहीं आए। भारती के वकीलों और डीसीडब्ल्यू के अधिकारियों के बीच खासी बहस भी हुई। और इस बीच सोमनाथ भारती दिल्ली में काइट फेस्टिवल के उद्घाटन में पतंग उड़ाते नजर आए, उसी वक्त जब उन्हें डीसीडब्ल्यू में हाजिर होना था। और इस बीच मिलेनियम पोस्ट नाम के अखबार में छपी एक खबर आम आदमी पार्टी के काम की निकली। उसने इस खबर का एक वीडियो जारी किया, ये उन्होंने नहीं किसी और ने शूट किया है, जिसमें एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करते हुए और उसके पर्स से पैसे निकालते हुए तीन पुलिस वाले देखे जा सकते हैं। खबर के मुताबिक ये वीडियो 12 जनवरी 2014 का है, लाल किले के पास का है। दिल्ली पुलिस ने तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि जो शख्स पिट रहा है वो एक जेब कतरा है और उसके खिलाफ जिसकी जेब काटी गई उसने मामला दर्ज कराने से मना कर दिया। ये तीन तस्वीरें एक स्थिति के तीन पहलुओं को बताती हैं। दिल्ली पुलिस के कामकाज का तरीका, उसके साथ दिल्ली के कानून मंत्री का खिड़की एक्सटेंशन का व्यवहार, भारती के इस व्यवहार के बाद उसकी आलोचना और शिकायतें, और इन शिकायतों पर आम आदमी पार्टी और भारती की प्रतिक्रिया। लेकिन भारती के खिड़की एक्सटेंशन के व्यवहार और रेल भवन के बाहर मुख्यमंत्री के धरने के बाद लोगों की पार्टी के बारे में क्या राय है, हमने जानने की कोशिश की एक सर्वे के जरिए। मुख्यमंत्री के धरने के बाद हंसा रिसर्च ने ये सर्वे किया है, जिसके लिए फील्ड वर्क 22 और 23 जनवरी को किया गया। इसी 22-23 जनवरी को तीन शहरों में ये सर्वे किया गया। आपको हम बता दें, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में ये सर्वे किया गया है। इसमें कुछ सवाल हमने पूछे, करीब 5 सवाल हैं। और पहला सवाल इसमें ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पे काम कैसा था। दिल्ली में 19% लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा था, अच्छा 39% लोग बता रहे हैं, औसत 22%, और बुरा इसमें कह रहे हैं कि 19% है। जब बेंगलुरु में यही सवाल पूछा गया तो 11% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम 48% लोग बता रहे हैं, औसत 19% बता रहे हैं, और बुरा 8% लोग बता रहे हैं। मुंबई में इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम कहने वाले 45 लोग थे और औसत बताने वाले 13% लोग, बुरा बताने वाले 7% लोग। और इसका अगर एवरेज निकालें तो ओवरऑल इसका क्या होता है, मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल का काम कैसा है, एवरेज तीनों शहरों का निकाल के आता है कि बहुत अच्छा बताने वाले तीनों शहरों का एवरेज 19% लोग हैं, अच्छा बताने वाले 43%, औसत बताने वाले 19 और बुरा बताने वाले 13। और दूसरा सवाल बहुत अहम सवाल है, क्या केजरीवाल का धरना देना उचित था, सही था। इसमें अगर दिल्ली की बात करें तो इसको उचित ठहराने वाले 51% लोग हैं, जिनका सर्वे किया गया उनमें से 51% लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, और जो अनुचित ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि सही नहीं था, वो 39% लोग हैं। धरने प्रदर्शन का पता नहीं कहने वाले भी वैसे दिल्ली के 8% लोग निकले। बेंगलुरु की बात करें तो वहां भी 51% लोग कह रहे हैं कि धरना करना बिल्कुल सही था, अनुचित था ये सिर्फ 35% लोग कह रहे हैं, और धरने प्रदर्शन का पता नहीं बेंगलुरु में समझा जा सकता है, 9% लोग वहां भी ये कह रहे हैं कि इसका पता नहीं। और मुंबई में 58% लोग कह रहे हैं कि सही था धरना, 30% कह रहे हैं कि अनुचित था, और 7 कह रहे हैं कि पता नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एवरेज निकाल के तीनों शहरों का, इसमें करीब 53% कह रहे हैं कि बिल्कुल सही था, अनुचित बताने वाले सिर्फ 35% लोग हैं, और धरने प्रदर्शन का पता नहीं बताने वाले भी 8 लोग हैं, और नहीं कह सकते 4% ये भी है।
तीसरा सवाल कि तीनों में अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन और शीला दीक्षित में सबसे बेहतर दिल्ली के लिए कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा। दिल्ली वाले केजरीवाल को 63% लोग कह रहे हैं कि बेस्ट हैं, 23% हर्षवर्धन की तरफ जा रहे हैं, 9% शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल दिल्ली पर राज किया वो कह रहे हैं कि 9% ही इनके सपोर्ट में जा रहे हैं और कोई नहीं कहने वाले भी 5 लोग हैं। वही बेंगलुरु के लोग कह रहे हैं, वो भी अधिकतर संख्या में केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं, 50% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल बेहतर मुख्यमंत्री होंगे, 18% हर्षवर्धन के फेवर में आज जा रहे हैं और 21% यहाँ थोड़ी बेहतर स्थिति है शीला दीक्षित की, 21% कह रहे हैं कि शीला दीक्षित बेहतर है, 11 कह रहे हैं कोई नहीं। मुंबई में 62% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल बेहतर मुख्यमंत्री है, 22% कह रहे हैं हर्षवर्धन बेहतर है और सिर्फ 3% यहाँ पर शीला दीक्षित के पक्ष में और 13% यहाँ पर लोग कह रहे हैं कोई भी नहीं। चौथा सवाल, माफ करें, इसका एवरेज आपको हम बता दें तीनों शहरों का, पहले सभी मिलाकर 59% तीनों शहरों का एवरेज निकालकर होता है और ये 59% जो सैंपल साइज का है वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेहतर है, 22% हर्षवर्धन के फेवर में जा रहे हैं और 11% शीला दीक्षित के, 8 इन तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते। चौथा सवाल, पुलिस जिसके लिए इतना तमाशा हुआ, क्या वो केंद्र के अधीन हो या राज्य सरकार के। दिल्ली में 56% लोग बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए और दिल्ली सरकार के अधीन सिर्फ 36% यहां पर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहने वाले भी 7% है और नहीं पता कह नहीं सकते वाले भी 1% है। वही बेंगलुरु में 50% लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आनी चाहिए, दिल्ली सरकार के अधीन कहने वाले 35% लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहने वाले 11% और 4% बता नहीं पाए। वही मुंबई में 42% लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार के अधीन आनी चाहिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के अधीन 43% बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बोलने वाले मुंबई के जो सैंपल सर्वे जो है उसमें 8% लोग हैं और 7 कह रहे हैं कि कोई फर्क बता नहीं सकते। एवरेज अगर हम निकाल के देखें इसका तो तीनों शहरों का, तो केंद्र सरकार के अधीन 51% चाहते हैं दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली सरकार के अधीन 37%, कोई फर्क नहीं पड़ता कहने वाले 8%। पांचवा सवाल और बहुत अहम सवाल है, इस पे काफी माथापच्ची कई पार्टियों में हो रही है कि अगर दिल्ली में फिर चुनाव हो तो आप किसे वोट देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सैंपल सर्वे के हिसाब से 57% लोग वोट देना चाहते हैं आज की तारीख में, बीजेपी को 29%, कांग्रेस 10, अन्य 2, वोट नहीं देंगे कहने वाले 1% और नहीं पता कहने वाले 1। बेंगलुरु में 59% कह रहे हैं कि आपको वोट देंगे, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 3% और अन्य में 2, वोट नहीं देंगे यहां कहने वाले 0% हैं और नहीं पता कहने वाले 7। वही मुंबई में 31% कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को देने वाले 30%, कांग्रेस के लिए 32, अन्य 4 और वोट नहीं देंगे यहां भी 0 और नहीं पता 3। और एवरेज अगर इसका निकालें इस सवाल का कि आप किसे वोट देंगे तो तीनों शहरों का मिला के आपके खाते में 51% लोग जो हैं इस सैंपल सर्वे में जिनसे बात किया गया वो कह रहे हैं 51% उसमें से कह रहे हैं कि देंगे आपको, बीजेपी को 29%, कांग्रेस को 14, अन्य 2, वोट नहीं देंगे कहने वाले 0 और नहीं पता 4। तो इस सर्वे पर और उसके पहले जो आपको तीनों तस्वीरें, तीन पहलू हमने बताए उस पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बता दें गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जगमती सांगवान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं AIDWA की, शोभा ओझा हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की और राजकिशोर तिवारी हैं हमारे साथ, एडिटर हैं दैनिक जागरण की। गोपाल राय, अगर आपने सुना हो मैंने जो सर्वे की सारी चीजें बताई हैं, इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हालांकि सैंपल साइज हमारा 1043 है दिल्ली में जिसमें 507 लोग थे और फील्ड रिसर्च जैसा कि मैंने बताया कि 22 और 23 जनवरी को किया गया था, मुंबई में 264 लोग थे। लेकिन जो एक अहम सवाल मुझे लगता है कि धरने के बाद भी और धरने को बहुत हद तक दिल्ली के जो लोग हैं करीब 51% लोग इस सैंपल सर्वे के इसको सही बता रहे हैं, आपको क्यों लगता है, क्या वजह है इसकी।
देखिए, जो धरना है उस धरने के पीछे की जो वजह है, उस वजह दिल्ली के लोगों के पुलिस को लेकर के जो दर्द है, खास तौर से जिस तरह का सेक्स और जिस तरह का ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, आम तौर पर महिलाओं के साथ जो घटना होती है और पुलिस में एक FIR दर्ज करने के लिए उन्हें नाको चना चबाना पड़ता है, ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिसको लेकर के पिछले दिनों सरकार निष्क्रिय रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन चीजों पर न सिर्फ बात की है बल्कि उन चीजों के लिए एक आगे बढ़कर के पहलकदमी ली है, तो निश्चित रूप से उन जिनका दर्द है उनके सीने में इसको लेकर के समर्थन है। जिन लोगों का इन चीजों से कभी साबका नहीं पड़ा है उन लोगों के मन में निश्चित रूप से लगता है कि बेवजह ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। इसलिए इस घटना को लेकर के एक जो आम आदमी है जिसके दर्द सुनने के वाला कोई नहीं है, उसको लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा आया जो हमारी भी दर्द सुन सकता है और उसके लिए लड़ सकता है। ठीक है, सुधांशु जी आपसे जानना चाहते हैं, जो गोपाल राय यहाँ पर वजह बता रहे हैं कि अब आखिर एक जिसको मतलब जितना बताते हैं लगता है कि मतलब मसीहा टाइप का कोई आ गया, तो क्या ये फीलिंग अब दिल्ली में हो रही है? देखिए, जो आपने ये सर्वे दिखाया है इसके पहले आपने तो नहीं दिखाया है सर्वे, हंसा रिसर्च ये जो 1000 समथिंग का आपका सैंपल साइज है, हाँ मतलब हंसा रिसर्च का जो सर्वे है, हाँ, 1000 का कुल सैंपल साइज है और उसमें कितने कितने डिफरेंट सेक्शन से कहां लिया उसका डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि हम यह मान लें कि जो आप दिखाया जा रहा है सर्वे यह सत्य है, तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि यह आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर का सर्वे है, यानी जिसे हनीमून पीरियड का चरम उत्कर्ष कहते हैं। लेकिन यदि उसमें भी आपको लगने लगे कि 35-36% लोग किसी, हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, जब आप पहला धरना कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है पुलिस के अत्याचार से लोग पीड़ित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आपने अपने मंत्री को बचाने के लिए पुलिस के अत्याचार का विषय उठाया, मगर मुख्य मुद्दा था मंत्री को बचाना, ठीक है जनता तक वह संदेश पहुंचने में समय लगता है, मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर यदि इतने लोगों के रुख में बदलाव आने लगे तो मेरे विचार से यह एक विचार का विषय है, क्योंकि अभी तक जो इनकी अप्रोच रही है, अगर आप देखें जन लोकपाल के समय क्या अप्रोच थी कि अगर आरोप लगे तो जांच करने वाला ना मंत्री होना चाहिए, ना विधायक, ना जज, ना अफसर, ना कोई व्यवस्था से बाहर का, और यहां जब आप खुद पे आरोप लग रहे हैं तो सब कुछ खुद ही क्लीन चिट दिए दे रहे हैं, क्लियर किए दे रहे हैं, जनता तक यह संदेश पहुंचने में समय लगता है, और जो इनको काम दिया गया यानी जो इनके अधिकार में है वो कार्य तो अभी किया नहीं, पुलिस वाले मैटर को लेकर आ गए। तो खैर, मेरा यह मानना है कि यदि आपके सर्वे को भी सही माने तो यदि 19% लोग भी बहुत बुरा मान रहे हैं, 500 के सर्वे की बात कर रहा हूं, 500 के आपके सैंपल में दिल्ली में 551 के, तो ये एक विचार का विषय है कि कुछ लोग ऐसे होगा 1/5 लोग जो बहुत बुरा मान रहे हैं, ये निश्चित तौर पर विचार करने वाली है। शोभा ओझा आपसे जानना चाहेंगे, हनीमून पीरियड बता रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, और काफी हद तक ये होता है, लोग देखते हैं कि चलिए और वक्त दीजिए, और जब कोई शिकायत भी करता है तो बार बार कहा जाता है कि ठीक है नई पार्टी है, अभी सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है नेचुरल चीज है। लेकिन जो खिड़की एक्सटेंशन में हुआ उसके बाद कई चीजें लिखी गई, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मीडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मीडिया किसी को क्यों सपोर्ट करे मुझे ये बात चीज समझ में नहीं आती, मीडिया का काम है सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट करना, कोई ओपिनियन बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन जो बार बार जो बोला जा रहा है कि यहां पर पुलिस के कारण ऐसा हुआ, ठीक है पुलिस का हमने देखा क्या चेहरा है, और किसी से छुपा नहीं है, और पुलिस सबसे ज्यादा हेटेड मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है, लेकिन तब भी इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी आपको लगता है कि हनीमून पीरियड ही है? देखिए, जहां तक आपका कहना कि मीडिया साथ नहीं दे रहा, उस पर सबसे पहले कमेंट करना चाहूंगी, आपका वेरी एग्जिस्टेंस आई सपोज इज बिकॉज ऑफ मीडिया, मीडिया ने इतना प्रचार प्रसार किया आपका, तो आपके बनने में मीडिया का बड़ा योगदान है ये जरूर कहूंगी मैं। जहां तक पूरे इस एपिसोड को अगर हम देखें तो भारती जी ने जो करा एज ए लॉ मिनिस्टर और एक जनप्रतिनिधि के नाते, रात के 3 बजे जाके किसी के घर खटखटा के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए, इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है? हमारे कानून तो इस बात को भी इंश्योर करता है कि अगर FIR हो तो पुलिस वाले रात को जाके सेंसेट के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वहां कानून मंत्री बस कोई एलिगेशन लगाते हैं कि ड्रग रैकेट है, सेक्स रैकेट है, जिसको वो प्रूव भी नहीं कर पाए हैं अभी तक।
और उसके बल पे जाके इस तरह का गदर मचाते हैं वहां, तो निश्चित ही उसको कैसे ठीक ठहराया जाएगा। और उस पे फिर आप पूरी पुलिस को कर रहे हैं, पुलिस का आज मॉरल कितना डिमोरलाइज आप कर रहे हैं पुलिस को, आप क्या पुलिस के लिए ऐसी हालात पैदा कर रहे हैं जहां पुलिस अच्छे से काम कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है कि पुलिस अपना काम कर रही है तो वहां पुलिस को रोका जा रहा है, उनको छुट्टी पे भेजा जा रहा है, जो आपके लॉ मिनिस्टर कर रहे हैं उसको सही ठहराया जा रहा है, और साथ में जो आप पार्टी जिसका जन्म ही ये कह के हुआ कि हम एक साफ सुथरी राजनीति देंगे, हम मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स राजनीति में स्थापित करेंगे, वहां ये दोहरा चेहरा क्यों? महिला अत्याचार के खिलाफ आप पार्टी की पहचान बनाते हैं उसको, और यहाँ महिलाओं के साथ आपका ही व्यक्ति अत्याचार करता है। लेकिन यहाँ पे शोभा जी, यहाँ पे चक्कर ये है ना कि जब हम ये छोटा सा सैंपल साइज है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन तब भी एक रिफ्लेक्ट करता है कि एक लार्जर स्केल पे क्या चल रहा है। सर्विस पे मैं बहुत ज्यादा हम लोग विश्वास नहीं, हम लोग भी नहीं करते हैं, एनडीटीवी और ये पर नहीं करता है इस तरह से। और सर्विस आपने देखा है कि इतिहास को उठाएं तो सर्वे हमेशा सही हुए ऐसा नहीं हुआ है। 2004 के पहले भी एनडीए का इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था, तो पूरे हिंदुस्तान ने के सर्वेस ने कांग्रेस को हरा हुआ दिखाया था और यूपी की सरकार बनी, तो इसलिए सर्वेस पे हम बहुत ज्यादा ये नहीं। और बहुत ही छोटा सेक्शन आपने लिया है सर्वे में, जो सर्वे हुआ उसमें बहुत छोटा, और वो पूरे जनमानस को रिफ्लेक्ट करता ऐसा नहीं। जो जो गुस्सा है, जो जिस चीज को हम कह रहे हैं कि सिर्फ शायद बहुत छोटा सेक्शन बोल रहा है कि सही नहीं किया, या बहुत सारे ये भी लोग कह रहे हैं कि इंटेंशन सही हो सकता है, तरीका सही नहीं है, तो क्या ये आपको लगता है कि एक वाइडर शेप में कहां सही है? ये बताइए, कोई लॉ मिनिस्टर इस तरह से खुद कानून की धज्जियां उड़ाए तो उसके इंटेंशन सही कैसे हो सकते हैं? ठीक है, क्या लॉ मिनिस्टर को अपने कानूनी अधिकार का ज्ञान नहीं है? होना चाहिए कायदे से। खैर जगवती जी, आप लंबे समय से देख रही हैं, गोपाल राय से मैं इस पर आप सबसे बात करने के बाद फिर वापस उनके पास जाऊंगी, आप लंबे समय से देख रही हैं कानून मंत्री ने वहां जो किया, जो एक पूरी तरह से बोला गया कि गलत है, कानून की नजर में नहीं, हर तरह से गलत है, लेकिन उसके बाद धरने पर बैठे, उसके बाद हमारे पास इस तरह से एक रिफ्लेक्शन आता है सर्वे में कि हो सकता है इतना कुछ होने के बावजूद शायद वो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको इस बार अरविंद केजरीवाल जो है वो केटर कर रहे हैं, वो तबका जिसका शायद रोज पाला पुलिस से पड़ता है और एक लेसर ह्यूमन बीइंग की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, और जिसका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है, वो आज भी साथ में खड़े हैं, हालांकि उनको भी पता है कि शायद ये सही नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चीज होती है तो उनको लगता है कि नहीं, यही एक पर्सन है या यही एक मुख्यमंत्री है जो कि कर सकता है, क्या ये स्थिति बनी है? देखिए, एक तो ये जो सर्वे है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज का है, और वहां पे भी किस तबके के अंदर ये किया गया, कौन से तबके के रिस्पॉन्सेज हैं, ये तमाम सवाल इसके साथ बिल्कुल, जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह के राजनीतिक हालात हमारे देश के अंदर चल रहे थे, लोग जो हैं उस तरह की राजनीति से बिल्कुल निराश हो चुके थे, और उनको ये लग रहा था कि कोई बदलाव इस देश के अंदर हो नहीं सकता। जैसे उसके बाद अरविंद केजरीवाल और इनकी लीडरशिप में जिस तरह से करप्शन के खिलाफ और पूरा तमाम जो मुहिम चली, आंदोलन चला, और उसको जो समर्थन दिया लोगों ने, वो लोगों की अभी भी इच्छा ये है कि ये जो परिवर्तन हुआ है राजनीति के अंदर, ये जो बदलाव है इसको सस्टेन करना चाहिए। कुल मिलाकर ये देश के मतलब हक में है, उनकी फीलिंग ऐसी है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का उनका व्यवहार, जो खिड़की की घटना के बाद जो मंत्री का आचरण है, और मंत्री के उस आचरण को बुलाने डिफेंड करने के लिए जिस तरह से एग्रेसिवली पार्टी भी उसके साथ खड़ी हुई, सरकार भी उसके साथ खड़ी हुई और धरने पे गए, तो उसका नकारात्मक असर भी एक है। गया है, जो सबसे बुरा जो कह रहे हैं डेफिनेटली मतलब वो फीलिंग जो है वो हर्ट हुई है, जो कि एक खराब बात है। राजकिशोर जी, फीलिंग किसकी हर्ट हुई है? फीलिंग क्या उसकी हर्ट हुई है जो कि अपर मिडिल क्लास है, जिसको अभी तक आम आदमी पार्टी केटर कर रही थी, अभी तक एड्रेस कर रही थी, जिससे अधिकतर नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो आते, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, या फिर जिस आम आदमी जिसका नाम लेके पार्टी आगे बढ़ रही है उस आम आदमी की फीलिंग हर्ट, किसकी फीलिंग हर्ट हुई है? देखिए, अभी इससे पहले आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, मेरा दफ्तर ठीक वहीं पर है जहां पर ये आम आदमी पार्टी का धरना सौभाग्य दुर्भाग्य से वहीं पर है जहां पर मेरा सेंट्रल दिल्ली में है, तो वहां पर होगा ही।
ठीक है, तो वहीं पर था ठीक, INS के नीचे इन लोगों का धरना था। देखिए इस धरने में और इससे पहले जो अन्ना मूवमेंट के समय या अरविंद केजरीवाल के जो अन्य धरने जंतर मंतर पे हुए, इनके कैरेक्टर में बहुत फर्क था। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे निश्चित रूप से वो तबका था जो पुलिस प्रशासन और ऐसे लोगों का ज्यादा सताया हुआ था, खासतौर से चाहे वो चाय की दुकान लगाने वाला हो या रेहड़ी वाला हो या कोई भी अपना छोटा मोटा काम धंधा करने वाला व्यक्ति हो, इनके वॉलेंटियर थे, इनके साथ युवा नहीं था, स्कूल कॉलेजेस का जो जुड़ता था उस तरीके का तबका मुझे नहीं दिखाई पड़ा। जो एलीट क्लास आता था, जो चलता था, जिसके लिए जंतर मंतर एक समय जो एजिटेशन टूरिज्म का केंद्र बन गया था, वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा। अगर आप कहें कि पुलिस ने मेट्रो रोक दिए, तमाम चीजें रोक दी, तो ये सारी चीजें निर्भया कांड के समय भी रोकी गई थी, लेकिन दिल्ली के लोगों को अपना आक्रोश जाहिर करने से वो रोक नहीं सके थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग इनके साथ नहीं जुड़ते दिखाई पड़े। हाँ, अचानक जो लाठी चार्ज भी होती है वो भी बाकायदा प्रोवोकेशन था वहां पर, अपने आप को सही साबित करने के लिए। ठीक वैसी बात है कि जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट जारी होता है तो हाथी पर बैठकर गिरफ्तारी देने जाते हैं। तो ये इस तरीके से जिसको बोलते हैं एक ताजी हवा का झोंका जो राजनीति में आया था परिवर्तन का, वो इतनी जल्दी इसमें इतनी बसावट आ जाएगी, इतना बासी हो जाएगा, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सैंपल का साइज भले ही छोटा हो लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है। इनका जो मुद्दा था पुलिस को राज्य के अधीन कर देना, उस मुद्दे पर यदि देखें उस पे जो है ज्यादातर लोग जो है वो केंद्र के अधीन रहे ये जानते हैं। उसका कारण है क्योंकि दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग एनसीआर में जाते हैं, जैसे ही वो दिल्ली की सीमा क्रॉस करते हैं चाहे वो हरियाणा जाएं या उत्तर प्रदेश, उनको वहां पुलिस का अक्षमता या प्रशासन वो दिखाई पड़ता है, वो फर्क दिखाई पड़ता है। तो ये आप भी देखती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो और जो रही बात अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अभी भी इतने लोग आए हुए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो जो यहां सत्ता पर 15 साल से नहीं थी या कांग्रेस हो, इन्होंने अक्षमता की और इतनी लंबी लाइन खींची है कि अभी आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसको पार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए शायद लोग इनके प्रति दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर थोड़ा और एक्सटेंसिवली सर्वे होगा तो और जल्दी नतीजे दूसरे दिखाई पड़ेंगे।